आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 50 खबरों के बाद बड़ी खबर, तालिबान को लेकर भारत में धर्मगुरु और मुस्लिम नेताओं के लगातार अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नोमानी के बाद अब देवबंद के मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा है कि तालिबान में कुछ ना कुछ तो खास बात है जिन्होंने अफगानिस्तान की 3.5 लाख फौज को खदेड़ दिया। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी तालिबान के हमदर्द बन बैठे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज ये मुद्दा देश और दुनिया में छाया हुआ है। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा, हमारे साथ बात करने के लिए है। मुनव्वर साहब, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया, तालिबान और हिंदुस्तान के बीच में कैसे देख रहे हैं कि क्या होगा आने वाले वक्त में? हिंदुस्तान के लिए अच्छे दिन रहेंगे, क्योंकि आज तक 921 वर्ष की तारीख है अफगानिस्तान से दोस्ती की। कभी किसी अफगानी ने किसी हिंदुस्तान को न बुरा कहा, न नुकसान पहुंचाया और न अपनी मोहब्बत में कमी की। लेकिन अब तो वहां पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का मतलब आतंकवादी संगठन कहा जाता है। उसकी क्रूरता की जो मिसालें हैं, जो तस्वीरें आती, बहुत डरावनी होती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। राम की राम राज्य है नहीं, अब राम राज्य कहाँ है? अब तो काम राज है। बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, कामराज है, रामराज नहीं है, बिल्कुल रामराज नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों वर्ष का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि उनके बाप दादा यहाँ आबाद रहे हैं, यहाँ से कमा के अपने बच्चों को उन्होंने पाला है। अपनी लड़कियों के लिए दुपट्टे से लेकर के और कुर्ते पैजामे के कपड़े सब यहाँ से खरीद करके ले गए हैं। अपने बच्चों अपनी बच्चियों की आबरू के लिए जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो सब यहाँ से खरीद के ले गए हैं। आज भी हमारे मोदी जी ने जो वहां पर पार्लियामेंट बनवाई है और जो सब इमदाद की है, और करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान होगा। एक बार तो नुकसान पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब अफगानिस्तान में वहां पर तो कोई सरकार नहीं है, तालिबान की सरकार है ना, तालिबान का कब्जा है। भाई आप देखिए, फिर आप ऐसे छेड़ रहे हैं कि हम ये बोलें कि यहाँ पर भी अभी जिन लोगों की हुकूमत है वो भी तो पहले जमाने में तालिबान ही थे। कौन लोग? अभी इसमें कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी। लेकिन ये कि अच्छे में बनने में, बुरे बनने में कोई वक्त नहीं लगता है, लेकिन अगर नहीं बनते हैं तो हजारों साल नहीं बनते हैं। हमने आपसे बताया कि कम से कम इतिहास के पन्नों को जब आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अफगानी जो है हमेशा से हर जमाने में हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं। अब ये है कि ये उनके कबीलों के नाम है, कोई कुछ है, कोई कंधारी है, कोई कुछ है, कोई काबुली है, कोई अलग अलग नाम है उनके,
उनमें एक नाम इसका भी है। तालिबान ने जिस देश, जिस बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जिस देश पे कब्जा किया है, वहाँ के लोगों को भी तो परेशान किया है, तो कैसे हिंदुस्तान का दोस्त हो सकता है? नहीं देखिए, वो उनका इंटरनल मामला है ना। लेकिन जो आदमी अपने घर में सही से बर्ताव नहीं कर रहा, वो पड़ोसी और हमसे बर्ताव क्या करेगा सही? तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही,